जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया के क्षेत्र में मजबूत कदम रखते हुए अपनी नई आधुनिक वेबसाइट व एप्लीकेशन लॉन्च की है। इंसो की इस नई वेबसाइट व एप्लीकेशन पर इंसो से जुड़ी जानकारी, इंसो व संगठन के नेताओं के आगामी कार्यक्रम, ऑनलाइन सदस्यता अभियान, मैपिंग सिस्टम के जरिए इंसो पदाधिकारियों से संपर्क कर सहायता प्राप्त करने, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने आदि कार्य एक क्लिक से होंगे। चंडीगढ़ स्थित इंसो के केंद्रीय कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में JGP के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह व इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने www.insoofficial.org वेबसाइट व एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने वेबसाइट व एप्लीकेशन बनाने वाली IT टीम और इंसो को बधाई दी। उन्होंने इसे आधुनिक युग की जरूरत बताया और कहा कि इस नई वेबसाइट व एप्लीकेशन के जरिए हर कोई इंसो से जुड़ सकेगा। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा जो एजेंडा है वो मदद पहुंचाने का है, यानी अगर कोई भी ऐसा विषय है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स को जागरूक करना है तो मैं चाहूंगा हरियाणा का प्रत्येक स्टूडेंट इससे जुड़े, सो हम समय समय पर उनको जागरूक कर सकें, उनका कोई विषय है तो उनको उठा सकें, उनकी कोई बात ऐसी है जो हम तक पहुंचनी चाहिए वो आ सके। आज के युग में ये संभव नहीं कि हर जगह प्रैक्टिकली पहुंचा जा सके, मगर एक क्लिक पर वो बात पहुंच सकती है, उसका एक प्लेटफॉर्म। छात्र संघ चुनाव के लिए कितना कमिटमेंट है? मैं बिल्कुल कमिटेड हूं, हमने तो वो लड़ाई लड़ी है जिसको आपने देखा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हालात और समय और कोरोना काल से जैसे निजात मिलती है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुलते हैं, तो छात्र संघ चुनाव होंगे, और केवल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, प्रत्यक्ष तौर पर होंगे, इस बात के लिए हम कमिटेड हैं। किसान आंदोलन को लेकर हम तमाम सवाल पूछेंगे, पहले आप अपना रुख रख दीजिए, क्योंकि अभी राकेश टिकैत को लेकर हरियाणा से आवाज खासतौर से बीजेपी से आई कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता आकर यहाँ और जो कहें कि फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, सीएम साहब ने भी कहा, जेपी दलाल साहब ने भी कहा। मैं किसी की बात को काटूंगा नहीं, सब हमारे आदरणीय नेतागण हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो किसान भाई बैठे उनकी हमें बहुत चिंता है, वो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, लाखों लाखों लोग अगर इस आंदोलन से शामिल हुए, उनकी भावनाओं को निरंतर जो है केंद्र की सरकार जानती भी है, केंद्र की सरकार किसानों की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जो है वो किसानों की सोच रखते हैं, उनके हिमायती हैं, और निश्चित तौर पर इसका समाधान ढूंढना ही होगा, और जितनी देर होगी मैं कहीं इसमें मुझे कहने में कोई शंका नहीं कि उतनी लोगों को मुश्किलात हो रही है, हमें भी हो रही है, हमें हमारा दिल भी पसीजता है जो परेशानी उनको हो रही है और जो संघर्ष वो कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर के कर रहे हैं, उस कंक्लूजन पे आना ही पड़ेगा। महापंचायतों का जो दौर शुरू हुआ है, खासतौर से हरियाणा में, कितलाना की बात करें, जींद की बात करें, कई नेता आते हैं उसमें, वो दौर पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल लोग इसमें घुस गए, पहले ये साफ था कि उसमें पॉलिटिकल कोई जाएगा नहीं, अब उसको पॉलिटिकल प्रारूप तो सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसमें बेनिफिट मिले, मगर मेरा ये मानना स्पष्ट है और मेरे हिसाब से हमारी पार्टी का भी मानना है कि हमारी भावनाएं किसानों के साथ हैं और उनकी हर बात को निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी सारी चीज का समाधान होकर के वो अपने घर लौटे। दिग्विजय जी, एक सवाल मेरा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया टर्म दिया है किसान आंदोलन के संदर्भ में, आंदोलन जीवी और परजीवी, नहीं उन्होंने उन लोगों के बारे में बोला है जैसे वो योगेंद्र यादव सरीखे के लोग हैं, वो तो मेरे हिसाब से हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, उनको तो कभी सरकार का या पॉजिटिव उसका हिस्सा बनना ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो उन लोगों के बारे में कहा है कि जो लोग अगर कोई बदलाव हो रहा है या कुछ किसी और अगली दिशा में अगर आगे एक कदम रखता है देश तो वो उसको पीछे खींचने में लग जाते हैं, ये ज्यादातर कम्युनिस्ट लोग हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। दिग्विजय जी, आप बोलते हैं कि फार्मर के साथ मेरा भावनात्मक जुड़ा हुआ है, तो JGP के असर से क्या काम हुआ है? नहीं नहीं, हम निरंतर बात कर रहे हैं जी, दुष्यंत जी निरंतर बात कर रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी निरंतर बात कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं, मैं कह रहा हूं कि एक एक मिनट जो बीत रहा है और इस संघर्ष में जो किसान इतने संख्या में वहां बैठे हैं, हम उनकी भावना से शायद, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से आते हैं, हम चौथी पीढ़ी है किसान परिवार, तो हम तो सारी चीजों को बहुत नजदीक से जानते हैं, देखते हैं, और हमारी जो भावनाएं हैं उनके साथ। पार्टी लाइन से भी अलग हटके इस्तीफा दो, जाओ,
इस तरह की बातें आती हैं और आपकी जनता आपके क्षेत्र की जनता क्या? मेरे हल्के में ऐसा कोई दबाव नहीं, मेरे ऊपर मेरी जनता किसान मेरे पास आते मेरे इस्तीफा दे, मेरे पास ऐसा कोई परेशर नहीं है, क्यों किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो सभी का पेट पालता है। तो मैं तो केंद्र सरकार से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, अपने किसान भाई भी आए हुए हैं, युवा साथी भी है, तो केंद्र सरकार ने बताता हूँ बोर से जल्द ही एक मिनट किसानों पर भारी पड़ता जा रहा है, क्यों सर्दिया में ना अब काम का सीजन भी आने वाला, फसल भी आएंगी, तो स्कूल भी कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं, तो मैं तो केंद्र सरकार से जल्दी समाधान होना चाहिए, हम ये अपील करते हैं। सत्ता में रहकर ज्यादा अच्छे से होगा, सत्ता से बाहर जाके ज्यादा अच्छे? सत्ता में रहते हुए जल्दी काम होगा, कुछ काम भी हो जाएंगे, इस समस्या समाधान भी हो जाएगा, सत्ता से बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता। किसान इसके जब हम साथ में सरकार के साथ में है तो सरकार के साथ में रहेंगे तो हम कुछ भी जीत हासिल कर लेंगे उस, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी किसानों को भला सोचते हैं, भलाई सोचते हैं, उम्मीद करते हैं इस बातों में अच्छा बात मानी जाए किसानों की, इसी बातों में धन्यवाद। किसान का दो डिमांड है, एक है कि तीनों भी खत्म होना चाहिए और एमएसपी होना चाहिए, आप लोगों का क्या? एमएसपी तो हम दे रहे हैं ना जी हरियाणा में, वो तो बोल रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एमएसपी हम दे रहे हैं हरियाणा के अंदर जिन जिन फसलों पर एमएसपी हम दे रहे हैं, वहां कोई कहीं तकलीफ आई तो आप मुझे बताओ, हम दुष्यंत जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, हरियाणा के अंदर कहीं कोई एमएसपी को लेकर के कोई दिक्कत है क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हरियाणा में कोई एमएसपी को लेकर दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, तो दिक्कत है ही नहीं, तो हरियाणा का विषय यही समाप्त कर देना चाहिए कि हरियाणा में जब एमएसपी है और हम दे रहे हैं, एमएसपी किसान को मिल रही है, राजस्थान का किसान, पंजाब का किसान अपनी फसल हरियाणा में बेच रहा है, वो तो आप अगर आप इस तरह का प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, इससे अच्छा आप अपने लेख में लिखें कि हरियाणा में मिल रहा है। दिग्विजय जी, आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन जो है मुफ्त में लगे, इसका इस तरह का सरकार की ओर से जब की मांग की थी, कुछ जवाब आया नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब अभी तो ये फर्स्ट फेज में है और जब ये जनरल पब्लिक के लिए आ जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा की सरकार स्टूडेंट्स को उनके रिसेप्शन पर, जो फर्स्ट रिसेप्शन होगा कोरोना के बाद, उस पर ये मुफ्त देगी, मैं ऐसा मानता हूं। सर, अभी हाल ही में आपका बयान आया था जिसमें कहा गया कि मैं टिकैत का स्वागत करता हूं और जो कर रहे हैं तो टिकैत साहब कोई आज सर सुनिए हाँ। वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि टिकैत हरियाणा का माहौल खराब करने आ रहे हैं और ऐसे नेताओं को जरूरत नहीं कि हरियाणा में प्रवेश मिलना चाहिए, वो मानते हैं कि जो सारा माहौल खराब हो रहा है वो टिकैत की वजह हो रहा है और आप टिकैत के समर्थन में। मैंने एक बात ये कही कि टिकैत साहब जो है वो देशद्रोही नहीं हो सकते, वो किसके परिवार से आते हैं, उनका कितना किसानों के लिए संघर्ष रहा है, हम उसको नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं। चौधरी देवीलाल जी के जो संघर्ष के साथी हैं, उस खानदान का अगर कोई वारिस आज किसानों की आवाज उठा रहा है तो वो देशद्रोही या देश के विरोध में नहीं हो सकता। जो उन पर केस बनाने की बात कही गई थी, मैंने उस पर खुले तौर पर विचार, ठीक है सर? थैंक यू।